Hello friends, today I am teach you how to draw ice cream and letter box. सबसे पहले हम शीट की पार्टीशन कर लेंगे क्योंकि मैं एक साइड पे लेटर बॉक्स सिखाऊंगी और एक साइड पे आइसक्रीम. फर्स्ट वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये लाइन मैंने 6 सेंटीमीटर रखी है. अभी हम सेमी सर्कल बनाएंगे. इसको हम जैसे हम डी लिखते हैं उस शेप में भी बना सकते हो आप. फिर हम वेव बनाएंगे इसके. वेव बनाने के बाद हम स्लांटिंग लाइन लगाएंगे. इसके बाद हम इसके अंदर वाली डिजाइनिंग बनाएंगे. ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद हम स्केच के साथ इसकी आउटलाइनिंग देंगे. ड्राइंग करने के बाद जो हमने ड्राइंग की है उसको इरेजर के साथ इरेज कर देना हमने. इसके बाद हम इसमें कलर करेंगे. आप अपनी चॉइस के कोई भी कलर कर सकते हो आइसक्रीम के ऊपर. जो नीचे वाला कोन है उसमें आपने स्किन टोन ही यूज़ करनी है. ऐसे हमारी आइसक्रीम विद कलरिंग बनके तैयार हो जाएगी. अब मैं आपको लेटर बॉक्स विद कलरिंग बनाना सिखाऊंगी. सबसे पहले हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. ये जो लाइन है ये पैरेलल टू लाइंस होनी चाहिए. इसके बाद हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे. ये जो लाइन है हल्की सी बाहर होनी चाहिए. जैसे हमने आइसक्रीम में बनाया है वैसे ही सेम वे में हमने इसमें भी सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे हम. अभी इसके ऊपर हम हल्का सा बॉक्स बनाएंगे. अभी हम इसके नीचे वाला पोर्शन बना रहे हैं. नीचे भी आपने हॉरिजॉन्टल वे में लाइन लगानी है. नीचे ये हमारा बॉक्स बन गया. अब जहाँ से हम लेटर इसमें डालते हैं वो वाला पोर्शन बना रही हूँ मैं. और देन नीचे जो है जहाँ से लेटर निकालते हैं ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद हम स्केच के साथ इसकी आउटलाइन देंगे. आउटलाइनिंग करने के बाद हम इरेजर के साथ इसकी ड्राइंग जो है उसको इरेज करेंगे. अभी हम इसमें कलर कर रहे हैं. आपने देखा ही होगा कि लेटर बॉक्स ज़्यादातर रेड ही होता है इसलिए मैं इसमें रेड कलर कर रही हूँ.
रेड कलर करने के बाद जो बाकी पोर्शन है उसमें हम ब्लैक कलर करेंगे। Thank you for watching this video. If you love this video, please like, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you.